अस्सलाम वालेकुम, ये डिज़ाइन एग्जांपल 3.1 है। इसमें एक हमने क्लैंपर डिज़ाइन करना है जो कि जो इनपुट सिग्नल है उसकी पॉजिटिव पी को उसको -5 वोल्ट पे यानी कि -5 वोल्ट पे ले जाए, जबकि पीक टू पीक जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है 20 वोल्ट्स का है। फ्रिक्वेंसी कितनी है 1 किलोहर्ट्ज़ की, और डायोड कौन सी है आइडियल। तो हमारे देखें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पीक टू पीक वोल्टेज कितने हैं 20, तो इसका मतलब है कि हमारी जो पॉजिटिव पीक है वो +10 की है, नेगेटिव पीक है वो -10 की है, यहाँ माइनस, ठीक है जी, ये -10 की है। अच्छा, अब हमने क्या क्या पॉजिटिव पी को क्लैंप करना है -5 वोल्ट पे, तो पॉजिटिव पी को -5 पे ले गए। जब -5 पे ले गए तो देखें पीक टू पीक एम्पलीट्यूड है 20, तो ये 20 नीचे जाएगा, देखिए 20 नीचे जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो गया 25, और जो इसका मीन वैल्यू है वो आ गई -15, यानी कि 10 ऊपर है और 10 नीचे है। और फ्रिक्वेंसी कितनी है 1 किलोहर्ट्ज़ है, डायोड कितनी है कौन सी है आइडियल है। अब हमने सबसे पहले डायोड की डायरेक्शन मालूम करनी है। अब देखिए डायोड की डायरेक्शन होगी क्या। अब क्योंकि ये इस क्लैंपर ने इस वेवफॉर्म को नीचे की तरफ पुश किया है, यानी कि ये क्या है नीचे की तरफ पुश किया है, तो इसका मतलब डायोड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। द वेवफॉर्म मूव्स डाउन डाउन सो डायोड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड जी। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी ऑफ VBB, यानी कि बैटरी की क्या पोलैरिटी होगी, ठीक है जी। अब पॉजिटिव जो पीक है वो है -5 वोल्ट पे, इसका मतलब है कि जो डायोड के साथ जो बैटरी के टर्मिनल होगा वो माइनस होगा और उसका 5 उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। पॉजिटिव पीक क्लैंप टू -5 वोल्ट, सो VBB इज इक्वल टू 5 वोल्ट विद नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज अटैच टू द डायोड। तो ये देखिए हमारा ओवरऑल क्लैंपर ये डिज़ाइन हो गया। ये वो क्लैंपर है जो पॉजिटिव पीक को -5 वोल्ट पे लेकर आएगा। इसमें हमने RN C और RL की वैल्यू अभी भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये एक डिज़ाइन का न्यूमेरिकल है, तो हम इसकी डिज़ाइन की वैल्यू पे आ रहे हैं। तो हमने थ्योरी में ये पढ़ा कि जो C की वैल्यू है वो 1 नैनोफैरड से लेकर 100 माइक्रोफैरड तक है, R की जो वैल्यू है वो 1.5 T डिवाइड बाय C है, और इन की वैल्यू T ओवर 150 C है। तो जो C है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज़ कि हम ले लेते हैं उसको 10 नैनोफैरड, तो नैनो को अब माइक्रो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये देखें 0.01 फैरड आ गया। अब F की जो T की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, F की वैल्यू गिवन है 1 किलोहर्ट्ज़, तो T उसका इन्वर्स होता है रेसिप्रोकल होता है, तो 1 मिली सेकेंड आ गई, ठीक है जी। अब T की वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट करनी है, C की सब्सटीट्यूट करनी है, तो RL की वैल्यू आ जाएगी 15 किलो ओम, RN की वैल्यू आ जाएगी 666.67 ओम, ठीक है जी। तो ये हमने इनकी वैल्यूज़ यहाँ लिख देंगे, C की जो हमने एज्यूम की थी वो लिख दी, R की RN की वैल्यू हमने जो एवेल्यूएट की है और RL की जो वैल्यू एवेल्यूएट किया ये है। तो देखें ये वो वैल्यूज़ हैं, और ये डायोड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बैटरी की ऊपर वाला जो टर्मिनल है वह पॉजिटिव है, अपना नेगेटिव है, तो ये 10 एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये पॉजिटिव पीक को -5 पर ले आएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।